गाइस, माईसेल्फ सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल नीड बायो वर्ड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट फॉर बोर्ड्स एंड नीट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोलॉजी पेपर ऑफ 2012 ईयर ऑफ नीट। सो Without wasting time, let's get started. Question number first. How many organism in the list given below are autotrophs? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है ऑर्गेनिजम्स की, इनमें से कौन से autotrophs हैं, मतलब जो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद ही करते हैं। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शंस आर लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्टेप्टोमाइसाइट्स, सैक्रोमाइसाइट्स, टिप्नोजोमा, पोर्फायरा एंड वॉल्फिया। तो अगर हम इसमें से देखें तो नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड लैक्टोबैसिलस जो हैं, ये सभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सैक्रोमाइसाइट्स की, तो जो सैक्रोमाइसाइट्स है ये सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉप्स में आती है। अगर हम बात करें ट्रिप्नोसोमा की, तो ये बिल्कुल अलग ही होता है, ये पैरासाइटिक नेचर का होता है। बाकी जो बचे हुए हैं लाइक नॉस्टॉक, कारा, पोर्फायरा, वोल्फिया, ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज यहाँ पे जो 6 हैं ये सभी ऑटोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। अब क्या है स्टेटमेंट्स यहाँ पे? पहला है, इन इक्विसेटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इन गिंगको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। थर्ड वन क्या है यहाँ पे? द स्पोरोफाइट इन रिशिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्राइकम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज एक्सोगैमस। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम वॉल लैक सेल वॉल। तो हाउ मेनी ऑफ दी एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, जो कि है फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। हमें यहाँ से चूज करना है कि कौन सा पेयर जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। ऑप्शंस आर गिंको प्रोड्यूस आर्चिगोनिया, सेल्विनिया प्रोड्यूस प्रोथेलस, वायरॉइड्स हैव आरएनए, मस्टर्ड हैव सिनर्जिट्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B1, बिकॉज सेल्विनिया जो है उसके अंदर प्रोथेलस नहीं होता है, वो हेट्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और ये एक तरीके का वाटर फर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरला हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आर एच पिटकर ने दिया था 1969 में, ठीक है, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिम्स को फाइव किंगडम में डिवाइड किया था, विच आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस यहाँ पे प्रोटिस्टा, एल्गई, प्लांटाई एंड मोनेरा। सो इसका आंसर है प्लांटाई, बिकॉज जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक तरह का मल्टी सेलर प्लांट होता है, जबकि जो क्लोरला है ये तरह की फियोफाइशी एल्गी है, मतलब जो क्लास फियोफाइशियाई से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर, उसकी एक्टिविटी के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो चाहिए होते हैं। तो मतलब कार्बोक्सी पेप्टाइड्स की एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑप्शंस आर जिंक, आयरन, नियासिन एंड कॉपर। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जिंक। कार्बोक्सी पेप्टाइड अपना जो वर्क है वो अच्छे से कर पाए उसके लिए उसे जिंक की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये एक्सोक्राइन सेल्स और पैनक्रियाज में बनता है और वहीं से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद एन ऑर्गेनली, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो खुद ऑर्गेनली है और उसके अंदर एक और ऑर्गेनली प्रेजेंट है? ऑप्शंस आर राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, ER एंड मिजोसोम। तो आंसर इज दी A1, राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम जो हैं वो या तो हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मिलेंगे या हमको ये फ्रीली
साइटोप्लाज्म मिलेंगे या हमको ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C1। A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। इसमें से म्यूटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शंस के यहाँ पे डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब डिलीशन एंड इंसर्शन हो जाता है बेस पेयर का एक डीएनए सीक्वेंस से, तो उसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कैंसर सेल्स कॉमनली शो क्रोमोसोमल एबरेशंस। ये कह रहे हैं कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशंस शो करती हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड वन क्या है यहाँ पे, यूवी एंड गामा रेज आर म्यूटाजेंस, बिल्कुल सही है। लास्ट वन क्या है, चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B1, बिकॉज जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है। कैंसर सेल्स जो होती हैं वो क्रोमोसोमल एबरेशन शो नहीं करती हैं। कैंसर सेल्स जो हैं ये डेवलप तब होती हैं जब बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, एक टेस्ट क्रॉस हियर आता है ताकि, ऑप्शंस आर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एज F2, प्रेडिक्ट वेदर द टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, assess the number of alleles of a gene, determine whether two species or varieties will breed successfully. So iska answer hai to predict with the, whether the two traits are linked. So answer is the B1. Next question, read the following four statements. Pehla kya hai, in transcription adenosine pair with the uracil. Ye bol rahe hain जब बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन चलता है तो उस टाइम जो एडेनिन है ये पेयर करता है यूरेसिल के टाइम पे। तो एक्चुअल में ये ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से, और यहाँ पे जो एडेनोसाइन है वो पेयर बनाता है यूरेसिल के साथ में, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन क्या है, रेगुलेशन ऑफ लेग ऑपरॉन बाई रिप्रेशर इज रिफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, द ह्यूमन जीनोम हैज़ अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स, जो कि रॉन्ग है। बिकॉज ह्यूमन जीनोम्स में 50,000 जीन नहीं होते, ह्यूमन के जीनोम में 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे स्टेटमेंट है कि हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, तो ये भी सही है। यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसका आंसर आएगा E1, बिकॉज यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है। वो कौन से है, पहला यहाँ पे फोर्थ वाला है और दूसरा यहाँ पे है फर्स्ट वन। नाउ टेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लॉवरिंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स थ्री कैरेक्टर, मीन्स कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके तीनों कैरेक्टर बिल्कुल सही हैं। तो पहले हम क्या पहले देखा है, पी जो है जो मटर होती है वो C3 पाथवे शो करती है, ये एंडोस्पर्मिक सीड होता है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। बिकॉज पी प्लांट जो है उसके अंदर C3 पाथवे तो होता है बट वो एंडोस्पर्मिक सीड्स का प्रोडक्शन नहीं करती है, बिकॉज इसका जो एंडोस्पर्म है फुली यूटिलाइज हो जाता है सीड फॉर्मेशन के टाइम पे, इसलिए ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। अगर हम बात करें ऑनियन की, तो ऑनियन जो है बल्ब शेप के होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ बोल रहे हैं कि ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है, ये रॉन्ग है। बिकॉज ऑनियन जो है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो नहीं करता है बट ये एक्सियल प्लास्मेशन शो करता है। अब बात करेंगे मेज की, मेज जो है वो C3 पाथवे शो नहीं करता है, मेज जो होता है वो C4 पाथवे शो करता है। एंड यहाँ बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्लोज जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सो आज का इसका जो आंसर है वो हो जाएगा B1, बिकॉज टोमेटो जो है वो ट्विस्ट एस्टिवेशन शो करता है, एक्सियल प्लासेंटेशन शो करता है, उसका जो फ्रूट होता है उसे कहा जाता है बेरी। सो आंसर इज दी B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव अ मार्जिनल प्लासेंटेशन, यहाँ पर जो प्लांट दिए गए हैं उनमें से कितने प्लांट्स मार्जिनल प्लासेंटेशन शो करते हैं। तो अगर हम इस लिस्ट को देखें तो इसमें जो ग्राम है, ग्राम, अरहर, मूंग, पी, ल्यूपाइन एंड सन हैम्प, ये सारे शो करते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड, तो क्या यहाँ पे स्टेटमेंट्स में है, तो पहले बोल रहा है कि बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन
and involve uphill transport of प्रोटॉन्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्या है, इन डायकॉट स्टेम्स एंड न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ पेरिसाइकल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेम्स इन फ्लावर्स ऑफ ग्लोरियोसा एंड पेटूनिया आर पॉलीएंडस. ये भी सही. लास्ट वन का यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर्स ऑकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन दी. सही रॉन्ग है. यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं. मोस्टली इनमें फ्री लिविंग नहीं होते, ज़्यादातर वो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना ही फ्री लिविंग होंगे. ठीक है, तो इसलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो यहाँ बोल रहे हैं कि डायकोट स्टेम जो है, मतलब डायकोट स्टेम में न्यू कैम्बियम जो है ओरिजिनेट होता है पेरिसाइकल की सेल से, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. बिकॉज डायकोट स्टेम्स में जो कैम्बियम होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के मीडियम, मतलब उनके जो बीच का जो पोर्शन है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है. सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज यहाँ पे दो स्टेटमेंट ही सही हैं. वो कौन से हैं, वो है फर्स्ट वन एंड थर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दे रिफ्लेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स. प्लांट्स में टेम्परेचर एंड लाइट जो है वो क्या कंट्रोल करती है. ऑप्शन आर एपिकल डोमिनेंस, फ्लावरिंग, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट एलोंगेशन. आंसर इज द ब्लू वन, B1, विच इज अ फ्लावरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन. इनमें से कौन सा हॉर्मोन ऐसा है जो जिब्रेलिन के अपोजिट में काम करता है. ऑप्शन आर जियाटिन, इथाइलिन, ABA एंड IAA. आंसर इज द ABA, विच इज एब्सिक एसिड. बिकॉज जिब्रेलिन जो है वो प्लांट में सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और जो ABA है वो प्लांट को सेनेसेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू डायकॉट रूट, ए मोनोकॉट रूट हैज़. अगर हम एक डायकॉट रूट को कंपेयर, अगर हम एक मोनोकॉट रूट को डायकॉट रूट से कंपेयर करें, तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है. ऑप्शन आर मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, मैनी जाइलम बंडल्स, इन कंस्पिशियस एनिमल रिंग्स, रिलेटिवली थिकर पाइडम्स. आंसर इज द मैनी जाइलम बंडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजन इज रिक्वायर. नाइट्रोजनेस अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके उसके लिए उसे क्या चाहिए होता. ऑप्शन आर हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, लाइट, Mn2+, सुपर ऑक्सीजन रेडिकल. आंसर इज द हाई इनपुट ऑफ एनर्जी. नाइट्रोजनेस जो होता है वो MOFE प्रोटीन होता है, जो कि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है NH3 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन. वर्निलाइजेशन प्रोसेस से किसमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट होती है. ऑप्शंस आर जमीकंड, टर्मरिक, कैरेट एंड जिंजर्स. आंसर इज द कैरेट. अब बात आती है कि ये वर्निलाइजेशन क्या होता है. तो इसका मतलब है जब प्लांट्स की हम जुनाइल फेज को शॉर्ट कर देते हैं और फिर उनको ट्रीट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे, तो उन्हें कहा जाता है वर्निलाइजेशन, जिससे प्लांट जो है अर्ली फ्लावरिंग शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ ये फंक्शन ऑफ जम पोर. जम पोर का फंक्शन क्या होता है. ऑप्शन आर एमरजेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ मेल गैमेट. आंसर इज C1, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखा है, पहला है यहाँ पे कि व्हेन पॉलन इज सेड एट टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल. ये भी सही है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पॉलन यूरिन इन सम प्लांट्स रिमेन वियबल फॉर मंथ्स. ये भी सही है. लास्ट वन क्या है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. इंटाइन जो होती है पॉलन ग्रेन की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है. बिल्कुल सही है. सो इसका आंसर हो जाएगा A1. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाई. ऑप्शन आर बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड विंड्स. आंसर इज द विंड. बिकॉज ऐसे प्लांट्स जिनमें ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं, वो प्लांट सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्लांट जो हैं वो विंड से पॉलीनेट होंगे. अगर विंड नहीं है तो वो इंसेक्ट से भी कई बार
पॉलिनेट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्योर्ड ग्रोव्स आर स्पेशली यूजफुल इन, जो सेक्योर्ड ग्रोव हैं स्पेशली यूजफुल होती हैं किसमें, ऑप्शंस आर इन जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रिवेंटिंग सोइल इरोशन, हियर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज. आंसर इज D1, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई रैबिट इन ए ग्रास लैंड इज कॉल्ड, ग्रास लैंड में जब रैबिट कोई नया ऑर्गेनिक मैटर बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है. ऑप्शन आर नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आंसर इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बिकॉज एक पर्टिकुलर फूड चेन में, ग्रास लैंड में जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, तो इसलिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो सबसे पहले अपने फूड का पोषण करते हैं. अगर कोई वहाँ पर रैबिट जो है वो अपने ऑर्गेनिक मटर का खुद से फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन आर एक्टोपैरासिटिज्म, ब्रूपैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन एंड एंडोपैरासिटिज्म. आंसर इज A1, एक्टोपैरासिटिज्म. अब ये क्या है, ये जो कस्कटा होता है इसको हिंदी में कहा जाता है अमरबिल, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट होता है जो ग्रो करता है कुछ प्लांट्स पे लाइक सिट्रस एंड दुरंता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोशीट इज ऑक्युपाइड बाई प्लांट्स लाइक, हाइड्रोशीट के सेकेंड स्टेज में कौन आते हैं. ऑप्शन सर एजोला, टाइफा, सेलिक्स एंड वेरिसनेरिया. सो आंसर इज D1, विच इज वेरिसनेरिया. बिकॉज अगर हम एक पॉन्ड का हाइड्रोशीट देखें तो वो स्टार्ट होता है कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ, जिसकी पहली फेज में आते हैं बैक्टीरिया एंड एल्गी, और उसकी दूसरी फेज में आता है हाइड्रोला एंड वेरिसनेरिया. सो आंसर इज D1. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था. ऑप्शंस आर 1960, 1970, 1980 एंड 1950. आंसर इज B1, 1970. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज डेट ऑफ, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है. ऑप्शंस आर ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर इज मीथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे क्या रखा है, पहले बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल इट इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन, जो बिल्कुल रॉन्ग है. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो कि रिच होती है IgE में, ये कोई एंटीजन नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्या है, टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे टिश्यू कल्चर नहीं होगा, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक कल्चर होगा. लास्ट वन क्या है, बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डाइलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस. यहाँ बोल रहे हैं कि बियर जो है वो ग्रेप जूस से बनती है, बट इसका सही आंसर है कि बियर जो है वो बार्ली से बनती है और ये जो ग्रेप जूस है इससे वाइन बनती है. सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू अ नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA दैट प्रोड्यूस, ऑप्शंस आर बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA, ए पर्टिकुलर हार्मोन एंड एंटीफिडेंट ए टॉक्सिक प्रोटीन. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर A1, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलिस्टिक मतलब जीन गन इज सुटेबल फॉर, जीन गन जो है किसके लिए सुटेबल होती है. ऑप्शंस आर डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट DNA बाय जॉइनिंग DNA वेक्टर्स एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग. सो आंसर इज B1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबॉडीज आर यूज्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबॉडीज को मतलब यूज किया जाता है कैसे. ऑप्शंस आर एस सेलेक्टेबल मार्कर्स, टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स,
एस सिक्वेंसेज फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट्स टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शंस. आंसर इज द ए वन, एस सेलेक्टिबल मार्कर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टार्टेड अगेंस्ट दैम. तो ऑप्शंस के यहाँ पे ऑप्शन देखा है यहाँ पे कि टेरोपस एंड ऑर्नथोराइनस जो हैं वो वी प्रायोरिटी शो करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ये जो ऑर्नथोराइनस है ये ओवी पेरस होता है. नेक्स्ट वो रखा है कि गार्डन लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल हैव अ थ्री चैम्बर्ड हर्ट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज क्रोकोडाइल जो होता है वो फोर चैम्बर्ड हर्ट शो करता है. नॉ नेक्स्ट वन का यहाँ पे नेक्स्ट वन है कि एस्कैरिस एंड एनसेग्लोस्टोमा शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज सिर्फ एनिड्स ऐसे होते हैं जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं. लास्ट वन क्या है कि शी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो कि बिल्कुल सही है, बिकॉज दोनों ही क्लास स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और दोनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं. सो आंसर इज दी डी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following categories of animal is correctly described with no single exception? So, हमें चूज करना है ऐसा ऑप्शन में कोई भी एक्सेप्शन प्रेजेंट ना हो. तो ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे? ऑप्शंस हैं कि all reptiles possess scales, have a three-chambered heart and are cold-blooded, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो क्रोकोडाइल है वो एक रेप्टाइल है, उसके बाद ये फोर चैम्बर हर्ट शो करता है, तो ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल वॉली फिशेस हैव अ फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड एन अबकुलम ऑन ईच साइड. सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ऑल स्पंजेस आर मेराइन एंड हैव कलर्ड सेल्स, ये रॉन्ग है. लास्ट वन क्या है, ऑल मैमल्स आर वीवेरस एंड पोलेजस डायफ्राम फॉर ब्रीथिंग, ये भी रॉन्ग है, बिकॉज मैमल्स जितने हैं वो सभी वीवेरस नहीं होते हैं. सो आंसर इज दी बी वन, बिकॉज जितनी भी वॉनी फिशेज हैं वो उन सब में फोर पेयर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और अपोकुलम सब में मिलता है. सो आंसर इज दी बी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described. तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हिसाब से बिल्कुल सही है. तो ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, ऑप्शंस में है कि मस्क डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड ए रेप्टाइल, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज जो मस्क डोमेस्टिका है वो एक तरह की हाउस फ्लाई है और हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्क डोमेस्टिका, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट है क्या है, प्लास्मोडियम फैल्सीफेरम ए प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही है. थर्ड वन क्या है, फेलिस टाइगरिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिल फॉरेस्ट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज टाइगर जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा टाइगरिस. लास्ट इकोलाई फुल नेम इज एन टिम्बाकोली ए कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज इकोलाई जो है इसका फुल नेम होता है एशिया कोलाई. सो आंसर इज दी बी वन, बिकॉज यही सही है और बाकी सब स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड. यहाँ पर रखे हैं कुछ सेल्स के पार्ट्स को और यहाँ पर उनके फंक्शंस हैं और हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शंस के यहाँ पे थैलेकॉइड, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम्स, दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर एटीएस व्हाइल दोज इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर, लाइसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट ए पीएच ऑफ अबाउट 8.5. सो आंसर इज दी ए वन, बिकॉज ये सभी रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द म्यूटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमर्स. ऑप्शंस आर मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकेंड. आंसर इज दी सी वन, एनाफेज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैटराइज, मीन्स कौन सा बायोमोलिक्यूल जो है बिल्कुल सही है. तो पहला ऑप्शन ये है लेसिथाइन, ए फॉस्फोरेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है पाल्मिटिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ विद 18 कार्बन एटम, बिल्कुल रॉन्ग है. थर्ड वन क्या है, एडनाइल एसिड एडनोसाइन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, बिल्कुल रॉन्ग है. लास्ट वन क्या है,
Alanine amino acid contain an amino group and an acid group anywhere in the molecule. ये भी wrong है. So answer क्या है? तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वन विच इज लिथाइन, जो कि मोस्टली सभी सेल मेम्ब्रेन्स में मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर्थ बाय, सबसे पहले म्यूटेशन का आइडिया किसने दिया था? ऑप्शंस आर ह्यूगो डी ब्रीस हु वर्क्ड ऑन इवनिंग प्राइमर्स, ग्रेगर मेंडल हु वर्क्ड ऑन प्रिज्म डायग्राम, हार्डी वेनबर्ग हु वर्क ऑन एली फ्रिक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, चार्ल्स डार्विन हु ऑब्जर्व ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हिज सी वॉयज. आंसर इज दी ए वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसका बेसिक क्या होता है, मतलब उसका बेस क्या होता है, उसके बिना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इम्पॉसिबल है. तो ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स इन डीएनए, the relative difference in the DNA occurrence in blood, skin and saliva, the relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprint, satellite DNA occurring as highly repeated the short DNA segments. Answer is the DNA, because satellite DNA जो है काफ़ी widely used होता है ये DNA fingerprinting में. Answer is the D1. Next question, represented below is the inheritance pattern of a certain type of traits in humans. Which one of the human condition would be an example of this pattern? So, ऐसा pattern हमको कब देखने को मिलता है? Options क्या यहाँ पे? Options are phenylketonuria, sickle cell anemia, hemophilia and thalassemia. So, answer is the hemophilia C1. Next question, given below is the diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue, identify the A, B, C, D and select the right option about them. ठीक है, तो जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज जो है वो कार्टिलेज की है और हमें चूज करना है कि इसका जो पार्ट है इसका नाम, इसको हम क्या बोलेंगे. तो इस पार्ट को क्या कहा जाएगा? इस पार्ट को कहा जाएगा मास्ट सेल. जो इसका पहला पार्ट है इसे कहा जाएगा मास्ट सेल, जो कि हमको मोस्टली जितने कार्टिलेज हैं उनको मिलती है. एक्चुअल में ये रॉन्ग हो गया गाइस. ये जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे जो A1 है, इसे कहा जाएगा मैक्रोफेज. ठीक है, और ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं लॉन्ग, इन लॉन्ग फाइबर्स को कहा जाता है कोलेजन फाइबर्स. नाउ व्हाट इज सी, जो C1 है इसे कहा जाता है फिब्रोब्लास्ट. ओके, C1 इज द फिब्रोब्लास्ट. एंड डी जो है ये देख रहे हो आप, जो बिल्कुल अलग निकली हुई है, इस सेल को कहा जाता है मास्टर सेल्स. आंसर इज दी C1, बिकॉज ए इज द मैक्रोफेज, बी इज द कोलेजन एंड सी इज द फिब्रोब्लास्ट एंड डी इज द मास्टर सेल. आंसर इज द C1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्स एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड ए बी सी डी. ठीक है, तो यहाँ पे इन कॉलम्स में दे रखा है तीन टाइप्स के अलग अलग नाइट्रोजनस बेस्ड के फॉर्म्स को, जो कि है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरियोटेलिक. हमें चूज करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ये सब शो करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, मोस्टली ये सब शो करते हैं, ये सब अमोनिया का सीक्रेशन करते हैं, इसलिए ये उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक. अगर बात करें हम फ्रॉग एनिमल्स की, तो फ्रॉग एनिमल्स जो हैं वो यूरिया को बॉडी से निकालते हैं, तो ये होते हैं यूरियोटेलिक. बात करें अगर हम पिजन की, लिजार्ड की या कॉकरोच की, तो ये सब यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली ऑकर इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है कैकम, ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम एंड ड्यूडनम. सो आंसर इज द कैकम. कैकम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ पे आपको कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं. आंसर इज द ए कैकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड. ऑप्शंस आर कैल्सियम एंड थायमोसिन, आर ये निकलते हैं थायराइड से, मतलब ये एक तरीके के थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं, पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, टू डाइजेस्टिव एंजाइम सीड इन द माउथ, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन स्ट्रीट मसल्स,
Serotonin and rhodopsin are polypeptide hormones. Answer is C1. बिकॉज ट्रोपिन और मायोसिन जो हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्टीरॉइड मसल मिलते हैं. सो आंसर इज C1. बाकी जो हैं ये सब रॉन्ग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्टिव स्केलेटन स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड नोज टिप आर एग्जांपल्स ऑफ. ह्यूमंस के ईयर में और नोज के टिप पे कौन से स्केलेटन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. ऑप्शंस आर लिगामेंट, एनिमल टिश्यूज, बोन एंड कार्टिलेज. आंसर इज द कार्टिलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर स्केचेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. विच वन ऑफ दीज इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शन गिवन अलॉन्ग विद इट्स करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन. ठीक है, अगर हम स्केच को देखें तो ये कुछ स्केच बनी हुई है फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज की और यहाँ पर रखा है इनका नेम, लोकेशन एंड फंक्शन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा A1. बिकॉज जो सेकेंड सेल है इसे कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो कि इंटेस्टाइन में मिलती है और इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन का. सो आंसर इज द A1. अगर हम बात करें और टिश्यूज की तो जो बाकी टिश्यूज हैं ये सब रॉन्ग है बिकॉज कहीं ना कहीं इनका लोकेशन फंक्शन जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट मतलब GFR एक्टिवेट्स. जब GFR कम हो जाता है तो उससे एक्टिवेट होते हैं क्या. ऑप्शंस आर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन, एडल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरोन, एडल मेडुला रिलीज एड्रेनालिन, पॉसिबली पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन. आंसर इज द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज द एड्रेनालिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमंस एंड एडल्ट फ्रॉग्स. कौन से कैरेक्टर्स हैं जो ह्यूमन एंड फ्रॉग्स में दोनों में मिलते हैं. ऑप्शंस आर फोर चैम्बर हर्ट, इंटरनल फ्लाइशन, न्यूक्लियोटिड RBC एंड यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रेशन. आंसर इज द D1, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ रिकरेंस इन द नॉर्मल प्रेगनेंट वूमन एंड सेलेक्ट योर ऑप्शन फॉर द टू. तो ये स्ट्रक्चर है, आप पूछ रहे हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी के पीरियड में कब बनता है और ये कहाँ मिलता है. तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लास्टोसाइट जो कि यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है जो कि तब होता है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है. आंसर इज C1 बिकॉज दिस इज ब्लास्टोसाइट एंड इट्स साइट ऑफ अकरेंस इज द यूट्राइन वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोविंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. RBC का ग्रेवयार्ड क्या होता है. ऑप्शंस आर गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन एंड लिवर. बिकॉज जितनी भी RBC हैं जब उनकी लाइफ स्पान पूरी कंप्लीट हो जाती है तो वो स्प्लीन में ही आके डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो आंसर इज द C1, स्प्लीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड. ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सेक्रेटरी फेज होती है उसे क्या कहा जाता है. ऑप्शंस आर ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 days, फॉलिकुलर फेज लास्टिंग फॉर अबाउट 6 days, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 days, फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर अबाउट 13 days. आंसर इज द A1, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी. अब हमें इसमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है बायोडाइवर्सिटी के लिए. ऑप्शंस क्या यहाँ पे, ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि दी डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान गुजरात हैव ए वेरी हाई लेवल ऑफ डिजर्ट एनिमल स्पीसीज एलवस एल न्यूमरस रेयर एनिमल्स. लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ BT कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. Western Ghats have a very high degree of species richness and endemism. Last one is that conservation of biodiversity is just a fed pursued by the developed countries. Answer is C1 because Western Ghats and Eastern Himalayas jo hain unke andar hame high degree mein species richness and endemism dikhti hai jise kaha jata hai biodiversity hotspot. Next question,
The domestic waste in large cities has a high BOD as it contains both aerobic and anaerobic bacteria. It is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in STP. When treated in STP does not really require the addition step as the sewage contains adequate oxygen, has high amount of suspended solids and dissolved salt. So its answer is B1. Is processed by aerobic and anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plant STP. Next question. Which one of the following set of items in the option 1 to 4 are correctly categorized with one exception in it? It means कौन सा option है जिसमें एक exception present है और जो बिल्कुल सही exception है. तो ऑप्शन रखें यहाँ पे, ये सब आइटम्स हैं, ये सब उनकी कैटेगरी है, ये सब उनका एक्सेप्शन हैं. तो पहले में रखा है कि UAA, UAG एंड UG ये जो हैं ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, बट इनका एक्सेप्शन है UAG जो कि बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज ये तीनों ही स्टॉप कोडॉन्स का काम करते हैं, ये इनका एक्सेप्शन नहीं है. नेक्स्ट क्या है, कंगारू कोला एंड वॉम्बेट आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. जो वॉम्बेट है ये इसका एक्सेप्शन है, ये भी इसका एक्सेप्शन नहीं है. थर्ड वन क्या है, प्लास्मोडियम कस्कटा एंड टिप्नोजोमा आर प्रोटोजोन पैरासाइट. इसमें एक्सेप्शन है कस्कटा जो कि बिल्कुल सही है. लास्ट वन है टाइफाइड निमोनिया डिफ्थीरिया आर बैक्टीरियल डिसीजेज. डिफ्थीरिया इज द एक्सेप्शन जो बिल्कुल रॉन्ग है. सो आंसर इज द C1 बिकॉज कस्कटा जो है वो प्रोटोजोन पैरासाइट नहीं है, वो फुल स्टेम पैरासाइट होता है और जो कि एक प्लांट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन द फूड वेब शोन बिलो. तो यहाँ पे रखा है फूड वेब को और यहाँ पे हमें चूज करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को. तो इसका आंसर क्या गाइस, इसका आंसर हो जाएगा A1 बिकॉज यहाँ फर्स्ट में यहाँ पे डियर आएगा यहाँ पे, बिकॉज अगर वहाँ पे वेजिटेशन और स्त्री प्रेजेंट हैं तो ग्रासेस को मोस्टली जो भी हरबोरस है वही खाएगा. सो फर्स्ट में आएगा डियर. सेकंड वन कहाँ है यहाँ पे, तो सेकंड वन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सेकंड कहाँ गया, सेकंड में यहाँ पे आएगा रैबिट, सेकंड में यहाँ पे आएगा रैबिट और थर्ड में यहाँ पे आएगा फ्रॉग बिकॉज फ्रॉग जो है वो ग्रास सुबह खा लेगा यहाँ पे, ठीक है. थर्ड में आएगा फ्रॉग एंड फोर्थ में यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे आ जाएगा रेड बिकॉज फॉक्सेस हैं या फिर अगर वो रेड है तो रेड जो है वो जो वो सीड्स पे भी रेड जो है वो सीड्स को भी खा लेगा. सो इसका आंसर हो जाएगा A1 बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट का डियर है, सेकेंड का रैबिट है, थर्ड का फ्रॉग है एंड फोर्थ का रेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following four statements 1, 2, 4 तो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस. हमको यहाँ चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट वन क्या है, सिंगल सेल स्पर्मिया प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल विटामिन एक्सेट्रा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्या है, बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोपस एंड मिथाइलोट्रोपस मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन द काउ पर डे, रॉन्ग है. थर्ड वन क्या है, कॉमन बटन मशरूम आर ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, बिल्कुल सही है. लास्ट वन क्या है, यहाँ पे ए रिच वराइटी हैज़ बीन डेवलप्ड विच इज वेरी रिच इन कैल्शियम, ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B1 बिकॉज फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो है वो सही हैं, बाकी सब रॉन्ग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स ए बी शोन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन हियर सोर्स एंड यूज. तो यहाँ पे ये दो डायग्राम्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि रंग किसका है और इसका सोर्स एंड यूज क्या है. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जाएगा गाइज A1 बिकॉज फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये कोकीन का है और इसका सोर्स जो है एरिथ्रोजाइलम कोका है. इसका यूज होता है इन एसिलेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी. ऑप्शन के यहाँ पे प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द वाइट बाई वाइपर स्नेक,
The antibodies against smallpox pathogen are produced by lymphocytes. Antibodies are protein molecules, each of which has four light chains. Rejection of kidney graft is the function of B lymphocyte. So answer is the A one. Preformed antibodies need to be injected to treat the bite by a viper snake. Next question. The figure below shows three steps, first, second, third, a polymerase chain reaction. Select the option giving correct identification together with which it represent. तो यहाँ पे ये तीन स्टेप, ये तीन फिगर दिए गए हैं तीन स्टेप्स में, और हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो सही फंक्शन को शो कर रहा है. तो ऑप्शन हैं कि बी वन मतलब जो सेकेंड वन है, यहाँ पे डी नेचुरेशन चल रहा है अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, सेपरेटिंग दी टू डी एन ए स्ट्रेंड्स. नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे ए वाले में मतलब फर्स्ट वाले में डी नेचुरेशन एट ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. सी में क्या है, यहाँ पे थर्ड वन में चल रहा है एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डी एन ए पॉलीमरेज. ए में बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एनिलिंग हो रही है विद टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जाएगा सी वन, बिकॉज सी जो है बिल्कुल सही है. यहाँ पे जो सी वाला जो है मतलब ये जो थर्ड वाला है, यहाँ पे ये थर्ड वाला है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डी एन ए पॉलीमरेज. आंसर इज दी सी वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The first clinical gene therapy was given for treating. पहली बार clinical gene therapy किस चीज़ को ठीक करने में दी गई थी. Options are diabetes mellitus, chicken pox, rheumatoid arthritis and adenosine diaminase deficiency. Answer is the D one. Adenosine diaminase deficiency. Last question है यहाँ पे ये. Which of the following represent palindromic sequence in DNA? में से कौन represent कर रहा है DNA का palindromic syndrome को, ठीक है? तो अगर हम इन options को देखें, तो first में रखा है कि 5 डैश टू 3 डैश and then 3 डैश टू 5 डैश, जो कि सभी DNA मिलते हैं हमको जो कि opposite में present होते हैं. तो इसका answer हो जाएगा A1, because यहाँ पे जो पहली phase है उसका जस्ट मिरर कॉपी जो है वो इसके दूसरी फेज में है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिस सेकेंड हाफ में होते हैं वो जस्ट मिरर इमेज होते हैं फर्स्ट बेस के, ठीक है? यहाँ पे जो पहली लेयर है बेस की, उसका जो सेकेंड फेज है वो जस्ट इसका मिरर इमेज होता है. बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा है जी ए ए टी टी सी, तो इसका अपोजिट जो है वो बिल्कुल जस्ट इसका मिरर इमेज बनेगा. मतलब अगर हम यहाँ इसको अगर हम सी से लिखें, लाइक सी टी टी ए ए एंड जी, तो ये बिल्कुल जस्ट इसका मिरर इमेज बनेगा, जिसे कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम. ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कहीं से भी अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.